सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मिशाई टॉक्स। और आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं पीडब्ल्यू स्किल्स को अल्फा 2.0 से। तो अल्फा 2.0 अपना कॉलेज का एक कोर्स है जो अमन भैया और श्रद्धा दीदी ने लॉन्च किया है। और पीडब्ल्यू स्किल एक कोर्स या आप कह सकते हैं वेबसाइट वाला प्रोग्राम है जो कि हमारे फिजिक्स वाला सर अलग सर ने अपने कंपनी पीडब्ल्यू के अंतर्गत स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम लोग तीन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, मतलब तीन पॉइंट्स पे कंपेयर करेंगे इन दोनों कोर्सेज को और कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बेटर है और किस में हमको इनरोल करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है रिजल्ट्स। तो अगर आपने कभी फ्रीलैंसिंग का ट्राई भी किया होगा, अगर आप फ्रीलैंसिंग नहीं भी करते होंगे और फ्रीलैंसिंग का ट्राई भी किया होगा, तो आपको पता होगा कि जब आप पहले पहले जाएंगे किसी भी फ्रीलैंसिंग वेबसाइट पे और अपना गिग वगैरह अपलोड करेंगे तो आपको काम जनरली नहीं मिलता है। तो आप यूट्यूब पे आते हैं, सर्च करते हैं, क्यों यार मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है। काम आपको क्यों नहीं मिलता है? इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपके पास रिजल्ट्स नहीं है। और आप सोचते हैं यार ऐसा कैसा है, ये तो गलत बात है, मेरे पास रिजल्ट नहीं है तब भी मैं कम पैसे में काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्लाइंट्स को मुझे अप्रोच करना चाहिए कि मैं कम पैसे में काम कर दे रहा हूँ, मुझे भी एक मौका देना चाहिए। ये आपकी बात दिमाग में आती होगी, लेकिन आज जब हम लोग क्लाइंट साइड पर खड़े हैं तब हम लोग को ये दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट कितना मैटर करता है। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे अल्फा का जो पहला वाला कोर्स आया था, जो उसका फर्स्ट बैच निकला था, उसके रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं। 7 लाख पर मंथ की इंटर्नशिप, प्लेसमेंट भी नहीं, इंटर्नशिप देख के कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो अट्रैक्ट नहीं होगा अल्फा 2.0 की तरफ। और वहीं हम लोग अगर पीडब्ल्यू स्किल की बात करें तो उनके पास अभी कोई रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लेट स्टार्ट किए हैं, वो अभी अपना कोर्स लॉन्च किए हैं, इसलिए उनके पास रिजल्ट नहीं है। तो अगर रिजल्ट के मामले में देखा जाए, रिजल्ट के ऊपर कंपेयर किया जाए, तो अल्फा 2.0 ही बेटर ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, तो वो है इनकी प्राइसिंग। अब इनकी प्राइसिंग, इनके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज कैसे? अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप उसका कुछ फीस निर्धारित कर देते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप उसकी फीस 100-200 भी अगर निर्धारित कर देते हैं, 99-199 पे भी अगर आप अपने कोर्स को सेल करते हैं, अगर आप सेल करते हैं कोर्स को, तो जो भी स्टूडेंट उसको खरीदेगा उसके अंदर एक फीलिंग होती है कि मुझे अपना पैसा वसूल करना है। एटलीस्ट इंडियंस में तो ये फीलिंग भर भर के, मैंने कूट कूट के भरी हुई है कि हम लोग को अगर कोई भी कहीं भी फीस दिए हैं तो उसका पूरा 100% यूटिलाइज कर लेना है, बल्कि 100 से ज़्यादा मिल जाए तो वो भी यूटिलाइज कर लेना है। तो मेरे हिसाब से पीडब्ल्यू स्किल में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे, अब मैं देख रहा हूँ ऐसा हो रहा है मेरे साथ, के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं और जो पढ़ने वाले नहीं है, मुझे पता है वो सब नहीं पढ़ेंगे और पढ़ भी नहीं रहे, लेकिन इनरोल कर लिए हैं उनके कोर्सेज में, पीडब्ल्यू स्किल के कोर्सेज में, और इनरोल करने के बाद छोड़ दिए, भूल गए, न पढ़ रहे हैं न कुछ। लेकिन वहीं ये जो अल्फा 2.0 है, यहाँ पे जैसे ही कोई 5,000 की फीस देगा, 5,000 की फीस देने के बाद उसका एकदम दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई मुझे पढ़ना है, कुछ भी करें, 5,000 दिए हैं तो पूरा 5,000 में से वसूलना है। तो मेरे हिसाब से पीडब्ल्यू स्किल्स को भी कुछ ना कुछ प्राइसिंग सेट कर देनी चाहिए थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करना चाहिए था। अब ये एक तरह से एडवांटेज भी है पीडब्ल्यू स्किल का। एडवांटेज इसलिए क्योंकि फ्री होने के कारण बहुत सारे बच्चे पीडब्ल्यू स्किल की तरफ ही बढ़ रहे हैं, बट अगर कुछ प्राइसिंग रख दिए होते तो मेरे हिसाब से जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ने के लिए आते, जो बच्चे इनरोल करते उनके कोर्स में, वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हो जाते अपनी पढ़ाई को लेकर के, इन कंपेरिजन टू अभी जो कि बस बच्चे फ्री में पा गए हैं कोर्स। तो फ्री की वैल्यू लोग जनरली नहीं करते हैं उतना ज़्यादा, इसलिए ये एक तरह से एडवांटेज है पीडब्ल्यू स्किल के खिलाफ अल्फा 2.0 का इनकी प्राइसिंग। बट मेरे हिसाब से एक सजेशन, मतलब मेरे हिसाब से है, मेरे तरफ से है अल्फा 2.0 को, मतलब पूरी अपना कॉलेज टीम को, कि कोर्स की फीस जो आपने डिसाइड की है 5,000, ये थोड़ा ज़्यादा है। मतलब मंथली बेसिस पे देखा जाए, जैसा कि आप लोग ने भी बताया था कि ये पिज़्ज़ा के कॉस्ट के अराउंड है, मतलब 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, तो अगर 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से फीस लेते तो मेरे हिसाब से और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल करते। इवन मैं खुद, मैं जान रहा हूँ कि पीडब्ल्यू स्किल की फैकल्टी बहुत अच्छी है इन कंपेरिजन टू अल्फा 2.0, बट मैं खुद बता रहा हूँ 500 रुपीज़ पर मंथ अगर रहता तो मैं खुद इनरोल कर गया होता अल्फा 2.0 में। और केवल मैं नहीं, मेरे साथ के बहुत सारे लोग ऐसा हैं जिनका यही मानना है कि मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं उन्हीं लोग का ये मानना है कि अगर 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से अगर अल्फा 2.0 का रहता प्राइसिंग, मतलब हर महीने अगर 500 रुपीज़ लेते तो बहुत सारे बच्चे इनरोल करते, और वो बच्चे सिंसियर भी होते, क्योंकि एक बार पैसा दे दिए तो उसे पूरा वसूले बिना तो वो मानेंगे नहीं। तो अभी भी जो बच्चे उसमें इनरोल किए होंगे, वो 5,000 की फीस दे दिए तो उसे भी वो वसूल किए बिना मानेंगे तो है नहीं। तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा सिंसियर तो होंगे इन कंपेरिजन टू पीडब्ल्यू स्किल के स्टूडेंट्स जो कि फ्री में इनरोल कर रहे हैं।
अब फैकल्टी के मामले में मुझे तो नहीं लगता कि कंपैरिजन की कोई भी ज़रूरत है, और इसमें तो क्लियरली मेरे हिसाब से पीडब्ल्यू स्किल्स ही जीतेगा और लीड हासिल करेगा। क्यों? क्योंकि मैं जो अभी फैकल्टी का वीडियो वगैरह देखा, अभी नहीं कुछ दिन पहले ही देख चुका था, तो वहाँ मुझे पता चला कि मतलब वहाँ की फैकल्टी बहुत ही ज़्यादा एडवांस और मतलब बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है उन लोग के पास। वहीं यहाँ हम लोग अल्फा 2.0 में बात करें तो मुझे लगता है बस श्रद्धा दीदी पढ़ा रही है, तो मेरे हिसाब से अगर ज़्यादा टीचर्स होंगे, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, तो मेरे हिसाब से पीडब्ल्यू स्किल्स फैकल्टी के मामले में तो लीड कर जाएगा अल्फा 2.0 से। तो तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करने पे कंक्लूजन तो यही निकलता है कि पीडब्ल्यू स्किल ही बेटर है मेरे हिसाब से। मतलब होप मैं ऐसा कर रहा हूँ कि उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और उसी से पता चलेगा कि वो बेटर है कि नहीं, क्योंकि फैकल्टी उसकी बहुत ही अच्छी है इन कंपैरिजन टू अल्फा 2.0। ऐसा मुझे लगता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा 2.0 की फैकल्टी और बेटर हो इन कंपैरिजन टू पीडब्ल्यू स्किल। तो इसलिए मैं किसी की कुछ बेइज्जती वगैरह या कुछ ऐसा नहीं करना चाह रहा, मैं ऐसे बस अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अल्फा 2.0 से फैकल्टी पीडब्ल्यू स्किल की ज़्यादा बेटर है, और आने वाले समय में हम लोग को पीडब्ल्यू स्किल्स की रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, और तभी हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा बेटर है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि पीडब्ल्यू स्किल ही आगे निकलेगा। बट अगर 500 रुपीज़ पर मंथ होती फीस अल्फा 2.0 की, तो मैं तो गारंटी दे रहा हूँ, मैं तो पक्का एनरोल करता अल्फा 2.0 में ही। और मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल करते अगर 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस होती अल्फा 2.0 की, क्योंकि रिजल्ट मैटर्स।